उसको अगर हमने वो तालबा किया कि वो जो तारीफ थोड़ा सा हुई है उसको दुरुस्त किया जाए, और एक उसका दूसरा डिफेंस सब में अच्छी चीज़ें भी हैं मगर जो गैर जरूरी और जो पीला पानी है उसको निकाला जाए। वो उसमें सरदार मंजूर हुई राजा मिलाजा सर ने 1,00,000 रुपया बिहारी लाल गवर्नमेंट अफ्ताब खैर पूरी हमारे इधर करीब कार्ड हैं लोकल खैरपुर के कार्ड मिलते हैं उनको हमने मुकर्र करके वो 250 रुपये ख़त्म किए। वो जो सीधा हानि और मदा कराई गए थे तो जो चकवाल की असल तारीफ थी वो अफ्ताब खैर पूरी ने और तो उसको सफा उसमें इजाफा किया है। अभी मैं जनाब आपको अपनी तरफ से ये 1,000 रुपया कीमत अभी ना ये 2,700 रुपये में खुद खरीद के लाया आपके लिए यासर साहब के लिए और राजा मुजाहिद साहब के लिए के मतलब है कि ये असल तारीख जो है चकवाल की वो हमने लेकर इसको किया। देखिए मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा था देखिए अलहमदिल्ला इस वक्त हम चकवाल को एक क्लिक से ले आए चकवाल जाती जगह पे ये काम कई दफ़ा आप खुद हैरान होते हैं कि ये काम मतलब ये अल्लाह की मदद से हो रहा है। बड़ा अख्तलाफ के बाद ये अभी मुझे ऑर्डर बताया दिया गया सरदार मुमताज का नाम लिखा गया उन्हीं को पहचानने ने सरदार मुमताज चंबल और सरदार उलामबाद ने एक बड़ा अख्तलाफ का अख्तार दिया था जैसी ये तारीख है कोई आपकी कोई तो ये मैं उसमें भी तो वो जंगली राज में ये ऐलान किया हुआ था कि हाँ एक बड़ा अख्तलाफ भी बन लेना ये भी तारीख का हिस्सा है। वो फिर बीच में वो 93 और वो 95 वाला थोड़ा सा जो कफवा आया है तब्दीली आई थी चकवाल में भी मुमताज चमन एम एल ए और सरदार बात एम पी ए बने उस वक्त मुमताज भट्टो अपना चीफ मिनिस्टर मंजूर भट्टो फ्रीक्वेंटली वो 3-4 दफ़ा बल्कि वो उधर फोटोज में हम इश्तेहार में हमें इतना आई मिली हमें पता चला कि भट्टो साहब आए हैं तो हम वो बड़ी मुश्किल से वो उनके जंगल में पहुँच गए जिधर वो सारा इश्तेहार था आपको अगर याद हो 2,00,000 रुपया उस वक्त सरदार बात और मंजूर भट्टो ने ये उस वक्त छठे भी नहीं थी 1,000 रुपये की वो पाया वो मंजूर भट्टो के दौर में ये अपना इख्तलाफ मुकम्मल हुआ है सरदार बात की मेहरबानी से ये तारीख है उसमें तो हमने जितने भी अपना इख्तलाफ ने थोड़ा थोड़ा डाला है वो हमारे साथ आए गए ये आपको इधर इधर आपको क्योंकि बीच बड़ा पक्का बन गया था ये आपको सारा अपडेट करना खिलाड़ी जी को सरदार मार का अभी हम ये प्रोग्राम जब शुरू करेंगे तो ये सारा ये आपका नायक सरदार आप खाना और मैं तो ऊपर रखूँगा कि ये प्रेस क्लब बीच बाद में भी जो मुश्किल हालात हमेशा मुश्किल हालात ही जाते हैं और आपने हमेशा हमारी तरफ़ी की है और हमें इसमें फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये आप कोई मौका मिलेगा इसका इजहार आप इंशाल्लाह रखते हैं और इजहार की बातें भी हैं।